डिलॉयट से जुड़ रहे हैं, ये जो जो डील की बात चल रही है। इनफैक्ट राजीव, बहुत शुक्रिया यहाँ 18 और स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। मैं रेफरेंस रख दूं कि मैं सिर्फ इसी डील पे आपसे, ये जो टाटा मोटर्स की डील हो रही है ईवी आर्म की सेकेंड डील नाउ प्रीमियम वैल्यूएशन पे होने की बातचीत चल रही है, सिर्फ इसके ऊपर मैं आपकी टिप्पणी नहीं चाहता। मैं ओवरऑल अगर हम अशोक लेलैंड के स्विच मोबिलिटी की बात करें, टीवीएस भी ईवी आर्म में बात कर रहा है, इन्वेस्टर कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट इंडियन बड़ी कंपनियों के ईवी कंपनीज में आ रहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कैसे प्रीमियम कमांड कर रही है हमारी इंडियन कंपनीज। विदेशों में तो ईवी कारोबार का बिजनेस की वैल्यूएशन थोड़ी कम होती चली आ रही है, इफ टेस्ला स्टॉक फॉल इज एनी गाइड। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक अगर हम इंडियन मार्केट को देखें तो हमारा कंजम्पशन बेस जो है वो इतना बड़ा है कि ये सारे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, ये सारे के सारे इंडिया की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया की स्टोरी काफी स्ट्रांग है, हमारा कंजम्पशन बेस काफी बड़ा है। अगर हम टू व्हीलर्स की तरफ देखें, जैसे बहुत सारे टू व्हीलर्स हैं जो काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्हें फंड्स भी मिल रहे हैं ग्लोबल से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे अब टू व्हीलर का बिजनेस केस जो हमारा रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर है वो ईवी का ऑलमोस्ट आईसीई इंजन के लगभग है या उससे कम है। ये डिपेंड करता है कि कोई कंज्यूमर कितने किलोमीटर्स को हर दिन या हर महीने या हर साल चलाता है, लेकिन अगर कोई उसे 1,000, 7,000, 8,000 किलोमीटर के लिए साल में चलाता है तो उसके लिए ईवी में स्विच करना ज्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए ये करके काफी इन्वेस्टमेंट लोग टू व्हीलर्स में कर रहे हैं। सिमिलरली पैसेंजर व्हीकल में भी, पहले लोग पैसेंजर व्हीकल्स को सिर्फ इसलिए देखते थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम वो गाड़ी चलाएं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, लेकिन अभी लोग ईवी में इसलिए भी शिफ्ट करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके लिए ईवी गाड़ी का रनिंग कॉस्ट उनके आईसीई गाड़ी के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम या थोड़ा कम हो सकता है। तो ये चलते दोनों, चाहे वो टू व्हीलर्स हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, दोनों जगह काफी डिमांड आगे के टाइम में आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। एब्सोल्युटली राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव फॉर दीज इनपुट्स, हमारे साथ आज समय बताने के लिए और ये व्यू अपना शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो